नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्तंकु ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे गोटे एमिती साधना विषय कहिबाकु जाउची जो साधना सिद्धि प्रदान करे। बेले बेले एमिती हुए कि जेते साधना कले मध्ये सिद्धि हुएनी, कुंडली रे किसी दोष थाए जेउति पई मंत्र सिद्धि हुएनी। नुआ साधक जेबे साधना क्षेत्र रे पाद पकाए सेतेबेले ताकु जणा नथाए जे साधना केमिति सिद्ध हुए। साधना सिद्धि पई अनेक गोपनीय तथ्य अछि जहाकु जानिबा निहाति आवश्यक। अनेक कंडीशन फुलफिल कले जाइकरी मंत्र सिद्ध हुए, किंतु नुआ साधक किछि ना किछि भूल करिबसे आ कंडीशन को फुलफिल करि परेनी, जद्वारा साधना किंबा मंत्र सिद्धि होई परेनी। मंत्र सिद्धि हुएनी तार मुख्यतः आठटी कारण अछि। कौन से कारण? कुंडली रे गुरु चंडाल दोष किंबा काल सर्प दोष रहिले सिद्धि मिलेनी। अष्टमस्थ नचेते नीचे थिबा ग्रहंकर महादशा अंतरदश चलीथिले भी सिद्धि सहजरे मिलेनी। ग्रह भितरे सूर्य मंगल बृहस्पति ए तीन जन होउछंती तेजर कारक। ए तीन जन जेतेबेले मिसिगिरी मनुष्यर कुंडली रे उच्च राशि रे बसंती सेतेबेले से तार तेज को वृद्धि करंती। ए तीनटा ग्रह मिसिकरी को ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति ए तीनटा को ग्रह मिसिकरी मनुष्यर तेज वृद्धि करंती। जदि ए तीन ग्रह बलहीन हो जाइथबे तबे मनुष्य तेजहीन हो जाए। जदि मनुष्य तेजहीन हो गला तबे सब कथा शेष। जेते भल ग्रह दशा चलीथिले भी सुख प्राप्ति हबनी कि सिद्धि भी प्राप्ति हबनी। जदि गुरु अभिशाप मिलथाए तबे भी मंत्र सिद्ध सहजरे हुएनी। काहीक सब जिनस मुझे आपण जानी कि ना नहीं कहीपर किंतु पूर्व जन्म विषय किसी ना कि हिंट से आमको जातक रु देखिले जना पड़ जाए। उदाहरण स्वरूप अष्टम भाव उपरे मंगलर दृष्टि थिले तथा लग्नस्थ मंगल को नीच ग्रह शनि देखुले व्यक्ति रौरव नर्क को गति करे। से ता जीवन रे जघन्य पापकर्म करिबो ही करिबो। अष्टम भाव उपरे मंगल एवं शनि पूर्ण दृष्टि जदि थाए व्यक्ति अकाल रे मृत्युवरण करे। सेमती राहु सह सूर्य एकत्र रहिले पितृदोष लागू हुए। शनि सह केतु एकत्र रहिले पूर्व जन्म रे तीव्र मातृ अभिशाप मिलिथाए बोली ए जन्म रे से अभिशापर परिणति भोग करिबाकु पड़े। पितृदोष मातृ अभिशाप मिलिले भी मंत्र सिद्धि हुएनी। जदि मंत्र अभिशाप द्वारा किलित होइथाए तेबे भी मंत्र सिद्धि हुएनी। मंत्र जदि भूल थाए तेबे भी मंत्र सिद्धि हुएनी। मंत्र उच्चारणगत त्रुटि थिले भी मंत्र सिद्ध हुएनी। मनेकर गोटे मंत्र अछि ओम नमः शिवाय, किछि लोक अछन्ति ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एमती जप कर चलथान्ति। सेटा वास्तव रे ओम नमः शिवाय, किंतु लोक ओम नमः शिवाय कहउछन्ति। इटा होउछि उच्चारणगत त्रुटि। जदि उच्चारण भूल हुए तबे भी मंत्र सिद्धि हुएनि। यार सल्यूशन तबे कौन? गोटे साधना अछि, से साधना को कहंती साधना सिद्धि साधना। मंत्र साधना पाइंका जदि सिद्धि मिलु न थाए तबे गोटे साधना करिया को पड़े। से साधना रे आवश्यक सामग्री कौन कौन दरकार हुए? मंत्र साधना साफल्य जंत्र कला हकीक माला जहाँकि साफल्य मंत्र रे प्राण प्रतिष्ठित होइथबो। धूप दीप फूल नैवेद्य पंचपुचार पूजा पाइंका। यही साधनार आरंभ पूर्णिमा ठारु हबो। राति कालीन साधना भी करिपारिबे, दिनरे भी करिपारिबे। जदि दिनरे करिबे ब्रह्म मुहूर्तरे करिबे, जदि रात्रिरे करिबे राति 10टा पर करिबे। उत्तर दिगकु मुह करिकिरि बसिबे, सामनारे गोटे पीढ़ा पट्टा रखिबे। पीढ़ा पट्टा उपरे कुंकुम कुंकुमरे अल्प टिके पानी मिसेइकिरि निज अनामिका अंगुठे से कुंकुम आणिकि से पीढ़ा पट्टा उपरे गोटे प्लेट रखिकि प्लेट उपरे ह्रीम लेखिबे। ह तळे र मात्रा दीर्घिकार अनुसार ह्रीम ह्रीम लेखि सैला बादे ता उपरे जंत्रटिकु स्थापना करिबे। अच्छा ह्रीम लेखि सैला उपरे तापर गोटे मुठा अरुआ चावल रखिबे। अरुआ चावल उपरे जाइकिरि जंत्र रखिबे।
ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରିବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ସାତ ମାଳା ଜପ କରାଯିବ, ସରି 11 ମାଳ ଜପ କରାଯିବ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓଂ ହ୍ରୀଁ ସର୍ବସାଧନା ସିଦ୍ଧିଂ ହ୍ରୀଁ ଓଂ, ଓଂ ହ୍ରୀଁ ସର୍ବସାଧନା ସିଦ୍ଧିଂ ହ୍ରୀଁ ଓଂ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି 11 ମାଳ ଲେଖାଏଁ ଜପ କରାଯିବ ସାତ ଦିନ। ସାତ ଦିନ ପରେ ମାଳାକୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଦୋଷ କାରଣରୁ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଯଦି ନ ହେଉଥାଏ ତେବେ ତା ବାଦେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାର ସାଧନା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷିତ ସାଧନା, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏ ସାଧନା କରିଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସାଧନା ଦେଉଛି। ଏ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି କରିକିରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।